सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर लेके आया हूं आपके लिए पांच ऐसे स्कॉलरशिप 2022 के अंदर जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली क्या होने वाला है, अपकमिंग स्कॉलरशिप बताने वाला हूं 2022 के अंदर कौन कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट होंगे, एलिजिबिलिटीज क्या है, कितने रुपए आपको लगेंगे, कैसे अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट है, क्या क्या सीन रहने वाला है, सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। पांच ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। और हां, सबसे बड़ी बात यह है कि अप्लाई करने के आपको कोई भी रुपए नहीं लग रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक लीजिएगा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो के अंदर कलेक्ट करके बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ले आता हूं, जहां पे सारी की सारी स्क्रीन आपको साथ में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरी कंप्यूटर स्क्रीन है। सबसे पहले हम बात करते हैं पांचवी स्कॉलरशिप। जो हमारी पांचवी स्कॉलरशिप है वो यहाँ पे कीप स्माइलिंग इंडिया, कोलगेट की तरफ से स्कॉलरशिप आती है, जो बड़ी फॉर स्टडी की वेबसाइट पे मिलती है। इस वेबसाइट का जो सारी की सारी वेबसाइट है उनका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां से जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। स्कॉलरशिप की जो लिंक है वो मैंने ओपन कर दी है और यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटीज है। तो ये देखो, यहाँ पे 11th 12th के स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीए बीए बीटेक और बीएससी वगैरह बीकॉम वगैरह सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबके लिए अलग अलग अमाउंट दे रखा है किसको कितने रुपए मिलेंगे, राइट। तो देख सकते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर आप थ्री ईयर डिग्री प्रोग्राम ले रहे हो तो उसके अंदर है। थ्री ईयर के अंदर आपके जैसे बीएससी आ गई, आपकी आपकी बीए आ गई, आपकी बीकॉम आ गई, राइट, ये सारे प्रोग्राम के अंदर है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो उनके लिए देख सकते हो, सबके लिए अलग अलग है। तो मैं डिटेल बता देता हूँ। अगर आप एलिजिबल हो तो आपको यहाँ पे 30,000 रुपये मिलेंगे 4 साल के लिए। एलिजिबिलिटीज बात कर लेते हैं, वी डिटेल्स के अंदर जाएंगे एलिजिबिलिटीज में क्या क्या है। तो एलिजिबिलिटीज यहाँ पे 12th के क्लास पास होनी जरूरी है मिनिमम 60% मार्क्स से। उसके बाद में आपको रिकॉग्नाइज बोर्ड और प्रोग्राम के अंदर इनरोल होना जरूरी है। आपकी एनुअल इनकम जो है वो 5 लाख से कम होना जरूरी है। अगर आप इंजीनियरिंग और डिप्लोमा कोर्सेज से आते हो तो आपको, और मतलब थ्री ईयर डिग्री कोर्सेज और इंजीनियरिंग प्रोग्राम बीए बीटेक से आते हो तो उसके अंदर आपको 30,000 रुपये मिलेंगे। बाकी अलग अलग प्रोग्राम के अलग अलग रुपए हैं। इस स्कॉलरशिप के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर जरूर से चेकआउट कर सकते हो अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो। तो फिलहाल इसकी 31 जनवरी 2022 के अंदर लास्ट डेट है और ये जो स्टार्ट होती है वो नवंबर दिसंबर के अप्रॉक्स स्टार्ट होती है। तो अभी चाहते हो तो अभी भी इसे अप्लाई कर सकते हो। बढ़ते हैं हमारी चौथी स्कॉलरशिप की तरफ से, जो है विद्यासारथी स्कॉलरशिप। विद्यासारथी स्कॉलरशिप के अंदर हमको बहुत सारी एलिजिबिलिटीज देखने को मिलती है, बहुत सारी स्कॉलरशिप देखने को मिलती है। अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रोवाइड करा रखी है, आप एक बार जरूर से आकर चेकआउट करिएगा। जीएसडब्ल्यू नाम से कंपनी जिसने यहाँ पे 6 टाइप की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई है, और एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड स्कॉलरशिप है जो मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंड ऑल स्टूडेंट्स के लिए है। सबके एलिजिबिलिटीज बात करते हैं तो अप्लाई पे जैसे हम क्लिक करते हैं, जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे अगली इसको पेज आ जाएगा और पेज पे आप यहाँ पे आईडी एंड पासवर्ड लगा के इसको अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो ये काफी अच्छी चीज है। और इस स्कॉलरशिप के अंदर भी सारी की सारी जो डेट है वो इसके अंदर, एक एक पर्टिकुलर वेबसाइट्स की जो अलग अलग डेट है वो इसके अंदर दे रखी है। तो इसके अंदर जरूर से अप्लाई करेगा। यहाँ पे एंड डेट भी दे रखी है, जैसे ये स्कॉलरशिप है इसकी 15 फरवरी का महीना 2022 इसकी लास्ट डेट है। तो ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप है, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। अगर कभी आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है ये चैनल को अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको बहुत सारी ऐसे इन्फॉर्मेशन कंटेंट इस चैनल पर देखने को मिलते हैं। अगर कभी ये वीडियो लगता है कि किसी दोस्त के, किसी फैमिली मेंबर के, किसी फ्रेंड्स लोगों के काम आ सकते हैं तो उसके साथ जरूर से शेयर करिएगा, ताकि मोर एंड मोर स्टूडेंट जो है स्कॉलरशिप को एक्वायर कर सके, राइट। ये तो होगी हमारी दो स्कॉलरशिप। अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी स्कॉलरशिप की तरफ, जो है रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से स्कॉलरशिप जो आती है वो है। अब देखो कितने स्टूडेंट को मिलती है, क्या सीन है, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो पहले एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया देख लेते हैं। रिलायंस फाउंडेशन का ओनली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है और कंप्यूटर साइंस, अगर ये आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो ये 4-5 फील्ड यहाँ पे दे रखे, उन्हीं का होना जरूरी है आपकी फील्ड। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के अंदर आते हो तो, और आपकी जो जेई रैंक है वो अंडर 35,000 होनी जरूरी है, ठीक है, जेई का एग्जाम देना जरूरी है। अगर और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे जो आपकी गेट स्कोर है वो, सॉरी, गेट स्कोर जो है 550 से 1000 के बीच में होना जरूरी है, एंड जो आपकी सीजीपीए है वो 7.5 होना जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कितने रुपए मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे रुपए के बारे में बता रखा है कि अगर आप अगर आप बीटेक अंडर ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज के अंदर हो तो आपको 4 लाख रुपए मिलेंगे पूरी आपकी ग्रेजुएशन के दौरान। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 6 लाख रुपए मिलेंगे। तो काफी अच्छे बड़ा अमाउंट मिल रहा है, लेकिन थोड़ी एलिजिबिलिटीज यहाँ पे टाइट दे रखी रिलायंस की तरफ से। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तीसरा नंबर की स्कॉलरशिप जो है इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से उसके बारे में बात कर लेते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो, एडमिशन एड्रेस प्रूफ और 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जेई मेंस का, अगर आप इंजीनियरिंग के अंडर ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज के अंदर हो तो जेई मेंस का रिजल्ट और ऑफिशियल मार्कशीट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट और रेफरेंस।
और अगर आप उसके थ्रू अप्लाई करते हो तो वहाँ पे गेट के सर्टिफिकेट, आपकी डिग्री एंड ऑल, राइट। ये होगी हमारी तीन स्कॉलरशिप। हम बढ़ते हैं अभी सेकंड नंबर स्कॉलरशिप पे। हम पांच से शुरू हुए थे, चौथी कर ली, तीसरी कर ली, अब हम दूसरी वाली बढ़ते हैं। तो दूसरी स्कॉलरशिप है वो हमारे होने वाली ओनली फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट या जो भी हम अदर कोर्सेज बोल सकते हैं, ओनली फॉर फर्स्ट ईयर वालों के लिए है ये। तो इसके ऊपर जरूर से अप्लाई कर सकते हो फर्स्ट ईयर वाले जितने भी देख रहे हैं। तो बात कर लेते हैं कौन कौन सी स्कॉलरशिप इसके अंदर है। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो ओएनजीसी के लिए आपको 500 स्टूडेंट्स को अंडर स्कॉलरशिप मिलेगी। और इस स्कॉलरशिप के बाद बता देते हैं कि डिटेल्स क्या क्या है। तो डिटेल्स जो है आपकी ओबीसी कैटेगरी होनी चाहिए, आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग या एमबीबीएस के अंदर होना जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद में आपको 60% या 6 सीजीपीए आपकी 12th के अंदर होना जरूरी है, 60% से ऊपर होनी जरूरी है। और आपकी एनुअल इनकम जो है वो 200,000 पर एनम से कम होना जरूरी है। उसके बाद में जो है आपकी जो एज है वो अंडर 30 होना जरूरी है। ये सब बेसिक सी एलिजिबिलिटीज है। अब बात कर लेते हैं कितना रुपए मिलेंगे। तो आपको 4,000 पर मंथ, मतलब ईयरली देखा जाए तो 48,000 पर एनम आपको देखने को मिलेगा स्कॉलरशिप अमाउंट। तो काफी अच्छी चीज है, ओबीसी वाले स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो डेडलाइन हो है उसकी वो सितंबर के महीने में आसपास आती है, तो इसके आप जाके देख सकते हैं जरूर से। और भी कोई डाउट आ रहे हैं वीडियो के अंदर तो नीचे कमेंट सेक्शन पूरा ओपन है आप लोगों के लिए, जरूर से लिखिएगा ताकि मैं हो सके तो उसको डाउट को फटाफट वहीं पर सॉल्व कर सकूं, राइट। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी स्कॉलरशिप जो फर्स्ट स्कॉलरशिप, लास्ट स्कॉलरशिप जो होने वाली है। यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप पोर्टल आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, बहुत सारी स्कॉलरशिप की पोर्टल अवेलेबल होती है, चाहे आप गर्ल्स के लिए हो, चाहे ओबीसी एससी एसटी जनरल एडब्ल्यूएस माइनॉरिटीज एंड ऑल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन सी स्कॉलरशिप। अगर आप माइनॉरिटीज से आते हो, चाहे हो गए सिख्स हो गए, चाहे मुस्लिम्स हो गए एंड ऑल, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, क्रिश्चियन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। तो मैंने जो बताई, अगर आप माइनॉरिटीज के अंदर आते हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो या कोई डिग्री कर रहे हो या फिर आप कॉलेज के अंदर हो, तो आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। और अगर आप 11th 12th के अंदर और माइनॉरिटीज आते हो तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप आपको यहां पे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो सब दे रखी है। अगर आप इनकी गाइडलाइंस और एफएक्यू देखते हो तो उसके अंदर सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी कि कितने रुपए मिलेंगे, लास्ट डेट कब एंड ऑल। तो लास्ट डेट तो यहाँ पे यहीं पे दिख रही है कि स्कीम जो कि जो लास्ट डेट है वो 15/1/2022, ठीक है। तो आज वीडियो बना रहे हैं हम 15-16 तारीख को, तो शायद आज इसकी लास्ट डेट है, बट ये 2022 के अंदर अपकमिंग स्कॉलरशिप के लिए बता रहे हैं, ताकि आप 2022 के अंदर जितने भी स्कॉलरशिप हैं उसके ऊपर टॉप 5 बता रहे हैं। ऐसे आने वाली वीडियोस के अंदर हम टॉप 10 भी बता सकते हैं, और भी ऐसे वीडियोस लेके आ सकते हैं अगर आप चाहोगे तो। तो अगर आपको और भी कोई वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर से बताना, राइट। अब हम बढ़ते हैं अगली स्कॉलरशिप की तरफ जो है हमारी यहीं पे AICTE और UGC के अंदर में आने वाली स्कॉलरशिप। AICTE के अंदर में आने वाली प्रगति इंडिया स्कॉलरशिप जो है सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स के लिए। अगर जितनी भी गर्ल्स जो है डिग्री कोर्सेज कर रही है तो उनके लिए जरूर से अप्लाई करें प्रगति स्कॉलरशिप के अंदर, जिसके अंदर काफी बड़ा अमाउंट मिलने वाला है ओनली फॉर। इसमें दुख दर्द की बात यह है कि बॉयज यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ गर्ल्स के लिए होने वाली है, राइट। तो गर्ल्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। और यहाँ पे और भी स्कॉलरशिप है, यहाँ पे सक्षम इंडिया स्कॉलरशिप है और फिर ओनली टेक्निकल डिग्री एंड टेक्निकल डिप्लोमा इनके लिए अप्लाई होने वाला है। फिर भी बहुत सारी स्कॉलरशिप आप जाकर देख सकते हो। अगर आप पर्टिकुलर स्टेट वाइज आते हो तो स्टेट की स्कॉलरशिप देख सकते हो, चाहे आपका स्टेट यूपी एमपी जीपी चंडीगढ़ एंड जो भी हो, यहाँ पे पर्टिकुलर अप्लाई कर सकते हो। अगर और भी कोई स्कॉलरशिप रिलेटेड डाउट हो तो नीचे वीडियो में कमेंट करके जरूर से बताना, मैं जरूर से उसको सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं लिख कर उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। एंड हाँ, कोई भी अगली वीडियो चाहिए तो उसके ऊपर भी नीचे कमेंट कर देना। तो ये थी 5 स्कॉलरशिप, टॉप 5 स्कॉलरशिप फॉर 2022। आई होप तो भी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर तो भी वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। हो सकता है ये वीडियो किसी के काम आ सके और किसी को जरूरत हो तो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा सके। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, सी या हैव अ गुड डे, बाय। और हाँ जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक दे रखी है तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके बाय।